एक समय की बात है जब एक वृद्ध भिक्षु और एक युवा भिक्षु दोनों नदी के किनारे से चले जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक महिला नदी में डूब रही है। महिला को डूबता हुआ देख युवा भिक्षु तुरंत नदी में कूद गया और महिला को नदी से बाहर निकाल आया। इसी तरह से उसने उस महिला को बचा लिया। इतने में वृद्ध भिक्षु क्रोधित हो गए और बोले, अरे तुमने ये क्या किया? तुमने उस महिला को छू लिया। अब मैं ये बात बुद्ध को बताऊंगा और मैं तुम्हें दंड दिलवाऊंगा क्योंकि तुम्हारा ब्रह्मचर्य अब खत्म हो गया। फिर दोनों बुद्ध के सामने पहुंच गए और वृद्ध भिक्षु ने बुद्ध से कहा, इसको दंड मिलना चाहिए। बुद्ध ने पूछा, क्यों, इसने ऐसा क्या किया है? वृद्ध भिक्षु ने कहा कि इसने नदी में डूब रही महिला को उठाकर नदी से बाहर रखा, इसने उसे छू लिया। अब इसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया है, इसलिए उसे उसका प्रायश्चित करना चाहिए। बुद्ध ने कहा, प्रायश्चित उसे नहीं, प्रायश्चित तो तुम्हें करना चाहिए। वृद्ध भिक्षु ने बोला कि मैं किस बात का प्रायश्चित लूंगा बुद्ध? बुद्ध ने उससे कहा कि इसने तो उस महिला को उठाकर वहीं रख दिया था, परंतु तुम तो उस महिला को अपने मानस में उठाकर यहाँ तक ले आए। तुम्हारे मन में अभी भी यही है, तुम इतनी देर से उसे ढो रहे हो। इसने तो वहाँ रखा और भूल भी गया, इसलिए प्रायश्चित उसे नहीं तुम्हें लेना चाहिए। तो दोस्तों, इससे हमें सीख मिलती है कि हमारे मन में तमाम तरह के ख्याल आते रहते हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन हम किसी एक ख्याल को लेकर बैठ जाते हैं और उसी ख्याल को लेकर अपनी जिंदगी व्यापन कर देते हैं, वो हमारे लिए गलत है। अपने मन को खुला रखें और अपने विचारों को आते जाने रहने दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपसे मिलते हैं अगली ऐसी ही एक और वीडियो में।